है ना, रामचंद्र जी के सामने लगा था चुनाव, मेरे पास आ गया। आ जाना भाई, इधर आ जा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो, पकड़िए भाई अपना। अरविंद जी चलो सब। मेरा अनुरोध है माननीय तरुण चुग जी से कि आप भाजपा परिवार में शामिल होने वाले तीनमार मल्लन्ना जी का पार्टी परिवार में स्वागत के दो शब्द कहें। माननीय तरुण चुग जी, आप सबके जैसे ही एक पत्रकार तेलंगाना के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज नवीन कुमार, जिनको तखल्लुस तीनमार मल्लन्ना, ये पेशे से पत्रकार हैं और एक ऐसे पत्रकार हैं जो जब लाइव होते हैं तो 1.75 लाख लोग इनके साथ एक्टिव जुड़ते हैं। अपने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के जीवन में एक जगह बनाने वाले, वहां की समस्याओं को जनता के बीच में ले जाने वाले, समस्याओं के लिए जझारू रूप से लड़ने वाले, ऐसे शख्सियत के, ऐसे अनुभव के मालिक नवीन जी का भारतीय जनता पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। और नवीन जी तीनमार मल्लन्ना जो पेशे से पत्रकार हैं, मेरे को याद है कि अगर आंदोलन खड़ा करना हो तो कलम उठाइए, अगर देश के अंदर जागृति लानी हो तो कलम उठाइए, ये एक पुरानी कहावत है। और उन्होंने तेलंगाना के अंदर टीआरएस की केसीआर नेतृत्व की जो सरकार है, उनकी लूट खसूट, वंशवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उसके खिलाफ कलम उठाई और उस कलम, उस पत्रकारिता, उस आवाज के साथ तेलंगाना के लाखों लोग जुड़ गए। जैसे लोग सुबह न्यूज़पेपर का इंतजार करते हैं, फर्स्ट न्यूज़ का मीडिया में इंतजार करते हैं, आजकल तो फ्लैश न्यूज का इंतजार रहता है, वैसे ही तेलंगाना की युवा जनता तीनमार मल्लन्ना की न्यूज का इंतजार करती है। वो कब लाइव होगा, क्या विषय लेगा, और फिर छात्र, विद्यार्थी, आम नवयुवक उसको फॉलो करता। इन्होंने अभी एमएलसी का चुनाव आजाद लड़ा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते लड़ा, और आप हैरान होंगे कि इनको 1,49,000 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में से वोट मिले, यानी तेलंगाना के 1,49,000 वरंगल, खम्मम, नालगोंडा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के नौजवानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने इनको वोट डाला एक बहुत बड़ी शख्सियत, लेकिन इन्हें पत्रकार होने का, सच्चे पत्रकार होने का, कलम की आवाज उठाने का, वहां की जनता के मुद्दे उठाने का बहुत बड़ी सजा मिली, क्योंकि केसीआर के भ्रष्टाचार को नंगा करना है तो आपको लाठी भी खानी पड़ेगी, आपको जेल भी जाना पड़ेगा, आपको पुलिस का उत्पीड़न भी करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। संजय बंडी जी हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने एक विशाल पैदल यात्रा की शुरुआत की है, 200 दिन की पैदल यात्रा। आज के युग में जब दुनिया व्हाट्सएप और मेल पर है, ऐसे समय में जब कोई स्कूटर मोटरसाइकिल पे सब्जी लेने जाता है, ऐसे समय में जनता के बीच गांव-गांव जाने के लिए तेलंगाना की सरकार के खिलाफ, तेलंगाना की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए यात्रा निकाली। और आप हैरान होंगे, क्योंकि दक्षिण की खबर यहां कम छपती है, इनके ऊपर कितने हमले हुए, कितनी गाड़ियां जली, इनको पुलिस ने कितना पीटा। हमारी यात्रा के अंदर चलने वाले हर व्यक्ति को, हमारे वहां चारों सांसद हैं, चारों सांसद को आप गूगल पर सर्च करिए, चारों के चारों सांसद, इवन कैबिनेट मंत्री किशन रेड्डी वहां से आते हैं, उनके ऊपर भी किस तरह हमले होते हैं। हमारे अरविंद जी वहां एमपी हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर घूमने जाना है, भैंसा जाना चाहते हैं, पुलिस जाने नहीं देती, अत्याचार करती। आज बापूराव जी वहां चौथे सांसद हमारे, आज वहां कोर्ट की तारीख भुगत रहे हैं, क्योंकि जन आंदोलन में जनता के मुद्दों को उन्होंने उठाया। हमारे जो विधायक हैं, हर विधायक पर पर्सनल केसेस डाले जा रहे हैं, उन पर पुलिस केसेस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। आज नवीन कुमार उर्फ तीनमार मल्लन्ना का यहां शामिल होने के पीछे, आप सबके पास लाने के पीछे एक रीजन है कि तेलंगाना की सरकार के अत्याचार की आवाज दिल्ली तक पहुंचे, तेलंगाना की धरती पर हो रहे लोगों पर अत्याचार की आवाज, तेलंगाना की जनता के दुख की आवाज, तेलंगाना के शासन द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की आवाज दिल्ली में पहुंचे और पूरे देश के लोगों को पता चले कि एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी का गरीब हितकारी शासन है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का जीरो करप्शन वाला शासन है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का गरीब के घर पर रसोई गैस, शौचालय, गरीब के घर पर उसको नया मकान देना, उसको इंश्योरेंस देना, मेडिकल देना, गरीब हितकारी शासन है, जीरो टॉलरेंस और करप्शन का शासन है। और तेलंगाना के अंदर आज भी एक तानाशाह गदाफी की तरह तेलंगाना के लोकतंत्र को धज्जियां उड़ा रहा है। और आप हैरान होंगे कि इनके ऊपर 38 पुलिस केस डाले गए, और पुलिस केस भी ऐसे डाले गए कि पहले पुलिस केस में इनको जमानत मिलती थी, अभी ये जमानत पर बाहर नहीं आते थे, इन पर दूसरा केस डाला जाता था। 9 बार जमानत हुई, और जमानत के मिलने से और जेल के बाहर आने से पहले नया केस डाल दिया जाता था। ये तीनमार मल्लन्ना, नवीन कुमार तेलंगाना शासन की अत्याचार की जीती जागती कहानी कहने के लिए आज आपके पास आए हैं। और जन समर्थन इनके पास क्या है वो आपको मैं बता रहा हूं कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो 1,49,000 49,000 लोग, वो भी ग्रेजुएट, इनके साथ खड़े होते हैं। ये तेलंगाना का एक चित्र मैंने आपके सामने रखा है। और झूठी पॉलिटिक्स, झूठ की पॉलिटिक्स, वहां के एससी भाइयों के साथ अत्याचार की पॉलिटिक्स, वहां के किसानों के साथ झूठ की पॉलिटिक्स, और जनता के टैक्स की पैसा जो जनता के लिए, गरीबों के विकास के लिए लगना चाहिए, उसकी लूट की कहानी आप सबको तेलंगाना जाकर देखनी चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपना 5 ग्रुप के अंदर शिष्टमंडल बनाइए पत्रकारों का, हम वहां पर आपको जनता के बीच में लेके जाएंगे। वहां जाइए, जनता के बीच में जाके देखिए कैसे केसीआर साहिब ओवेसी जी के साथ मिलकर ये अत्याचार कर रहे हैं, और आज तीनमार मल्लन्ना को अकेले ज्वाइन इसलिए कराया गया है कि आपको ये एक पूरी वहां की व्यथा और कथा पता लग सके। अभी भी लगातार 9वीं बार बेल मिली है। बेल मिलने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए कि मैं तो एक पत्रकार था, मैं तो जनता के मुद्दे उठाता था, मैं जनता की आवाज बन के सामने आया और जनता के कहने पे मैंने चुनाव लड़ा, किसी पार्टी में नहीं था। मेरे पर 38 केस डाले गए हैं, क्रिमिनल केस डाले गए हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगले 100 साल मैं जेल में रहूं, क्योंकि मैंने कलम उठाई थी और कलम उठाई थी केसीआर की तानाशाही भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ।